एक और संडे और एक और हार्ट ब्रेक। आंखें डबडबाई हैं, जबान लड़खड़ा रही है, जीतना चाहिए था यार। 45 दिन, 10 मैच, एक तरफा डोमिनेंस। शायद वो जो किस्मत का एक खराब दिन होता है ना, वो बहुत गलत दिन आया यार। पूरी रात सोया नहीं गया था क्योंकि मैच देखना था, मैच जीतना था। और शाम को ऐसे ही मजाक मजाक में एक बार कहा कि टीम इंडिया की गेंदबाजी ये तय करेगी कि आज रात को पिज्जा आएगा या रात को पैरासीटामॉल खाया जाएगा। एंड आई एम श्योर आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनको आज सरदर्द हो रहा होगा, मन नहीं कर रहा होगा, क्या किया जाए। आदत हो गई यार, मतलब बहुत सारे संडेज यार, मतलब सब अच्छा था, प्रेशर नहीं झेल पाया यार हम। वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर था, शायद वो इतना हावी हो गया कि ऑस्ट्रेलिया काम रहती गई और हम पैनिक करते गए। हार गए यार। ट्रेविस हेड यार, भाई तेरा स्टील का गुर्दा यार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शतक इंडिया के सामने, सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच और अ फाइनल, मतलब समझ ही नहीं आ रहा किसके लिए ज्यादा बुरा फील करे। उन फैंस के लिए, वो जो 140,000 के आसपास अंदर बैठे थे, वो तकरीबन 6 करोड़ लोग जो हॉटस्टार पर बैठकर मैच देख रहे थे, या वो और 5-6 करोड़ लोग जो शायद टीवी पर बैठ के देख रहे थे, हम जैसे लाखों ये ब्लू जर्सी पहने हुए, या उस विराट कोहली रोहित शर्मा के लिए जिसने इस मैच में सब कुछ झोंक दिया था, इस पूरी सीरीज में, पूरे वर्ल्ड कप में, या उन मोदी जी के लिए जिनकी गवर्नमेंट बनने के बाद से एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते। मतलब उनका इसमें कोई लॉजिकली रोल नहीं है, लेकिन आज वो भी गए थे मैच देखने, उन्हें भी लगा होगा कि जाएंगे, बात करेंगे लोगों से, बधाई देंगे, देश में खुशी आएगी, एक दिवाली के बाद जश्न का माहौल था। सारे सपने टूट गए यार, बिखर गए सारे सपने। मतलब ये हार ज्यादा खलेगी यार, क्योंकि इस बार हम डिजर्विंग थे। हम इससे पहले भी हारे, लेकिन तब हमें पता था कि हमारी कमियां कहां 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 हम कमजोर हैं। मतलब क्या कहा जाए यार, 2003 का वर्ल्ड कप था, पहले ओवर में जहीर भाई पिट गए थे, आज बुमराह भाई पिटे, बुमराह ने कवर किया, पावर प्ले में हम अच्छा कर रहे थे। मैं हर मैच में कह रहा था कि यार ट्रेविस हेड को आउट कर लेना, ये बहुत खतरनाक प्लेयर। लेकिन सबसे बुरा मुझे रोहित और विराट के लिए लगा। रोहित भाई पूरे सीजन में शांत थे, वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है, वो एक ट्रॉफी के बिना काम नहीं चलता। एंड यू नो दिस क्लोज, आज से 15-20 साल बाद जब कोई पीछे मुड़कर देगा, अच्छा किसी को याद भी नहीं होगा कि नई जनरेशन में कि क्या बैटिंग की थी रोहित ने। हालांकि आज उनकी बैटिंग से मैं डिसअपॉइंटेड था, इस पूरे वर्ल्ड कप में मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं। आज मुझे लगा कि उन्होंने गलत खेला, बेहतर खेल सकते थे, थोड़ा टिक सकते थे, क्योंकि उनके आउट होने के बाद ही इंडिया पैनिक कर गई, जरूरत नहीं थी आज। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, इंडिया लॉस द मैच। ऑल क्रेडिट गोज टू ट्रेविस हेड, मानस लाबुशेन, ड्यू। हमारी हार की कई वजह है, कई सारे लोग हैं, मुझे लगता है तीन या पांच फैक्टर आप कह सकते हो। एक वो एक्स्ट्रा प्रेशर टॉस हारना, दूसरा शायद शुभमन गिल का फ्लॉप शो, सूर्य कुमार यादव का फिनिश ना कर पाना, सिराज का आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, ये तीन प्लेयर जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में हमें मैचेस नहीं जिताए। ये भी बड़े प्लेयर हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी थी इनसे, वेरी डिसअपॉइंटिंग। कैन ट्रेविस हेड के लिए तालियां, भाई आप कमाल के प्लेयर हैं, बहुत अंडररेटेड प्लेयर हैं। मैं आपको बहुत हाई रेट पहले से कर रहा था, मैं बार बार कह रहा था कि मिशेल मार्श, मैक्सवेल और ट्रेविस हेड, ये तीन प्लेयर ऐसे हैं जिनको आउट नहीं किया तो मैच पलट जाएगा। वार्नर को हमने आउट कर लिया, मार्श को हमने आउट कर लिया, स्मिथ किस्मत से मिल गया, और उस टाइम लगा था, आई थिंक दैट वॉज द ओनली मोमेंट इन दिस मैच जहां पर मुझे लगा कि इंडिया मैच जीत जाएगी, 47-3। मुझे लगा यार मैच हमारा हो गया है, हम जीत जाएंगे, बट
आई डोंट नो क्या पारी है यार, क्या पारी यार, कितने बड़े मंच पर आकर आप इतनी बड़ी पारी खेलते हो और सारे गेंदबाजों की फिर पिटाई करते हो यार, कम ऑन यार, यू वर टू गुड यार। शमी बहुत आप आउटस्टैंडिंग थे यार इस वर्ल्ड कप में, आपने हमारा दिल जीता। बुमराह यू वे गुड, जडेजा ठीक थे, कुलदीप महंगे साबित हुए, सिराज डिसअपॉइंट किया मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा, लेकिन ट्रेविस हेड वाज द गेम चेंजर। आई फील बैड अबाउट रोहित शर्मा, आई फील बैड अबाउट विराट कोहली, शायद संभवतः इनका आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, रोहित को तो आखिरी है ही, विराट पता नहीं शायद एक सीजन और खेल लें। लेकिन यार बहुत मैचेस हारे यार हम, मतलब कितने हारेंगे यार हम, 2014 में फाइनल हारे T20 का, 2015 में सेमीफाइनल हारे, 2016 में सेमीफाइनल हारे, 2017 में फाइनल हारे, 2019 में फाइनल सेमीफाइनल हारे, 2021 में फाइनल हारे WTC, फिर 22 में सेमीफाइनल हारे T20, फिर WTC।